रानी दिलबर जानी एक इंटरटेनमेंट फिल्म है। मैं तकरीबन कोशिश यही करता हूँ कि इंटरटेनमेंट फिल्म बनाऊँ जो पब्लिक को पसंद आए। हमारे बिहार के पब्लिक को इंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है और मैं कोशिश करता हूँ ऐसा बनाने की। और ये फिल्म एक अलग है फिल्म, जैसे एक अपने लड़के हैं जैसे बिहार से एल्बम बना के हीरो बनते हैं, उसी पे आधारित ये फिल्म बनाई हुई है। जैसे हम लोग लड़कों को हीरो कैसे, उनको कैसे होता कि हम बॉम्बे जाएं और हीरो बन जाएं, उसी के ऊपर ये है कहानी। कहानी ये अंदाज अपना अपना एक अलग है अंदाज अपना। हाँ अंदाज हाँ जी बोलिए। नहीं ये जो आइडिया आया मेरे को, ये अंदाज अपना अपना का नहीं है। ये है कि एक जैसे हमारे यूपी बिहार में काफ़ी लड़के लोग बेचारे कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पर हीरो बनने के लिए आते हैं, उनकी क्या क्या हालत होती है, और कई कामयाब हो जाते हैं और कई नहीं भी कामयाब होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें दिखाई है कि एक आदमी के जो सपने हैं, ज़रूरी नहीं कि सपने सबके साकार होते हैं, कई लोग निराश भी होते हैं, और निराश होने से ये नहीं होता कि उनकी आगे लाइफ ख़त्म हो गई है। अगर वो कोशिश करते हैं तो आगे उनके मतलब चांस होते हैं आगे जीतने के, आगे मुकाम हासिल करने के। ये मैंने इसमें दिखाया है। मानी कि अगर फिल्म से जो जो फिल्म का टॉपिक है, जो स्ट्रगल है, जो जगह जगह में दिखाई है, एक बार आपके स्ट्रगल के ऊपर सरसरी नज़र डाली तो वो क्या कहेंगे आप अपने स्ट्रगल के बारे में? देखिए ये जो मैंने इसमें दिखाया ना, वो मेरी लाइफ में भी बहुत बार हो चुका है, और सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों ने काम किया है, उन सबके साथ ये बीत चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जितने हमारे बड़े स्टार हैं उनके साथ भी बीता होगा ये, और जो आने वाले उनके साथ भी बीतेगा। ये स्ट्रगल है, और इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल करता है वही सक्सेस होता है, और मेहनत करने बाकी किस्मत देने वाला ऊपर वाला है, और इंसान कभी ना कभी जब वक्त अच्छा आता है तो स्टार भी बनता है। ये मैंने इसमें दिखाया है। अभी जैसे जाना ये भी चाहेंगे कि रानी दिलबर जानी के शूट के बाद कितना आप बदले हैं, या फिर क्या एक नई चीज़ आप पैदा कर पाए हैं? नहीं मैं देखो बदला नहीं हूँ कुछ, लेकिन ये है कि मुझे बनाने में जो मज़ा आया ना, कि मुझे अपने एक रियलिटी चीज़ें कुछ सामने दिखी मुझे, और ये दो हीरो हैं जो कि बिल्कुल गांव के हैं, वो कैसे मैंने दिखाया कि ऐसा। देखो हम लोग कुछ भी करें लेकिन हमारी फिल्म में एक हैप्पी एंड होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक हैप्पी एंड भी दिखाया इसमें। और इसको बनाते वक्त मुझे अपने एक जो स्ट्रगल के फील दिन थे वो सब याद आते थे, और हम लोग बहुत सेट पे मस्ती करते थे, हंसते थे वो दिन को याद करके। हम लोग कुछ मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कुछ शरारतें जो एक्टर्स करते हैं, क्योंकि एक्टर्स नए हैं और कितना मुश्किल रहा उनसे उनके साथ कॉपरेट कर पाना, और कितना अच्छा क्या एक नया एक्सपीरियंस रहा पे? देख क्या है, जैसे श्याम देहाती है इसमें, तो वो अभी पहली बार एज ए हीरो हैं इसमें, तो उन्होंने जैसे पाकी हेगड़े के साथ काम किया, पाकी एक बहुत सीनियर एक्टर है, तो वो ऑलरेडी उनके बड़े फ़ैन हैं। जब उनके साथ डांस था, गाना गाना, तो बड़ा शर्मा रहे थे, तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने बाकी जी को बोला थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये गाना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी किया, उन्होंने उनको बोला भी तुम घबरा, उनके हाथ पर फूलने लग गए कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन बाकी जी ने काफ़ी उनको कोऑपरेट किया और वो अच्छे से गाना हो गया। मानी जी इस प्रोजेक्ट के बाद कौन कौन से और प्रोजेक्ट होंगे जिसको आप डायरेक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे? नहीं मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद एक पिक्चर और है जिसका नाम है रंग, जिसमें कलुआ है और रितिका हीरोइन है, और अभी मेरी पिक्चर एक रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम जिद्दी है, जिसमें पवन सिंह और विराज भट्ट दोनों हैं। तो उसके अलावा इन्हीं का ही राजेश सिंह की एक पिक्चर है जिनका नाम है कहानी किस्मत की, उसमें चिंटू जी हैं और विराज भट्ट हैं, और बहुत अच्छी कहानी है। वो भी राजेश सिंह ही प्रोड्यूसर है जिन्होंने रानी दिलबर जानी बनाई है, तो इसके बाद हम लोग वो बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आप बात करने के लिए, और हम चाहेंगे जो भी आप फिल्में करें वो सुपर डुपर हिट रहे और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय मेरा नाम आरती गुप्ता है, मैं राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं उनकी आने वाली फिल्म के लिए जिसका नाम है रानी दिलबर जानी। मेरा भी बहुत मन है कि मेरे को एक मौका मिले उनके साथ काम करने का। इस फिल्म का नाम है रानी दिलबर जानी, जिसकी हीरोइन रानी चैटर्जी हैं और हीरो है श्याम देहाती। मेरा दिल से इच्छा है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब। एक मिनट आइए।
एडिटर हूँ, मेरा नाम गोविंद दुबे है। रानी दुर्गावती फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इस फिल्म को सब अच्छे क्या बोलना किसके शुभकामनाएं देता हूँ। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। आज हम लोग हैं डबिंग स्टूडियो में, त्रिशा आज रानी दिलवर जानी की डबिंग कर रही हैं। अर्चना जी आइए, उनसे जानते हैं। नमस्कार अर्चना जी, क्या आज आप डबिंग कर रही हैं? मैं अपनी फिल्म रानी दिलवर जानी की डबिंग कर रही हूँ। मोस्टली डबिंग कंप्लीट हो गया, आधे घंटे का सीन बाकी रह गया है। और मुझे पता नहीं था संजय जी आज आप आने वाले हो, नहीं तो मैं अच्छे से पूरी इंडस्ट्री जानती है संजय भूषण पटियाला को कि वो ऐसे जगह कभी भी पहुंच सकता है, इसलिए आपको तैयार होकर आना चाहिए। आगे से मैं ये एकदम ध्यान रखूंगी, कहीं भी सज धज के जाऊंगी, क्योंकि आपका फिर टेंशन रहेगा कहीं भी पहुंच सकता। क्योंकि मैं पीआरशिप करता हूँ एकदम मजबूत, जमीन मजबूती होती है। ये कहीं भी कुछ भी मतलब लिखते हैं, कहीं से भी कुछ उठा लिया लिख दिया, कहीं भी पहुंच गए, मतलब ये छुपे रुस्तम है। अच्छा आपका भी कुछ नया न्यूज, आपका किसी से अफेयर चल रहा, क्या अफेयर को बताना चाहेंगे? नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, मैं तो डायरेक्ट शादी करने वाली हूँ 2 साल बाद 3 साल बाद। अफेयर तो रखना नहीं चाहती मैं, बट अगर आपको पता है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको ढूंढूंगी। नहीं मुझे कुछ जानकारी मिली है कि अगर आप अपने से नाम खोल देते तो अच्छा बात है। नहीं नहीं मुझे नाम नहीं पता है, और अगर प्लीज आप नाम खोल दीजिए तो मैं उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करूंगी। चलिए जानते हैं फिल्म के हीरो श्याम झाती है, जो फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी साहब, सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और उसके हीरो श्याम झाती के बारे में अर्चना जी क्या कहना चाहती हैं? मैं श्याम जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही कोऑपरेटिव हीरो हैं और मस्ती खोर एक नंबर के, और जैसे मस्ती खोर हैं उनको ऐसा करेक्टर भी मिला है। बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत ही अच्छा लगा। इस फिल्म के डायरेक्टर बाली जी है, जो सुपरहिट कई फिल्में दे चुके हैं, डांस डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। कुछ घटनाएं होने के कारण वो इंडस्ट्री में से कुछ दिन बैठे हुए थे, लेकिन फिर से एक अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि बाली सर मतलब निकल चुके हैं, अभी कमबैक कर चुके हैं और आगे लगातार करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और मेरा उनके साथ काम करने का सपना था जो पूरा हुआ है। मतलब मुझे बहुत इच्छा था कि मैं उनकी एक फिल्म करूँ, वो हुआ है, आगे भी करूँगी, और बाली सर बहुत आगे बढ़े, आगे जाए, मैं यही दुआ करूँगी। अर्चना जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश सिंह जी हैं, जो काफ़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, तो एक अच्छी तरह से फिल्म रिलीज होगी, आप भी चाहते हैं कि मेरी फिल्में बढ़िया से रिलीज हो, तो राजेश जी के साथ काम करें कैसे आपको लगा? राजेश जी तो है ही बहुत स्मार्ट, और उन्होंने इस फिल्म में मतलब मोस्टली भोजपुरी के सारे हीरोइनों को लेके आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सारे हीरोइन के साथ काम की हूँ, और एक हीरो है उसका नसीब बहुत अच्छा है कि इतनी सारी गोपियाँ उनके साथ है, और राजेश जी ने जो कॉन्सेप्ट उठाई है वो बहुत ही अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट जाने वाली है और आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। आपका फिल्म करेक्टर क्या नाम है? राधिका। राधिका एक लड़की है जो बहुत ही नटखटी है, बहुत बदमाशी करती है, तूफान मचाए रहती है गाँव में, और फिर उसको आके एक लड़का से प्यार होता है जो श्याम रहते हैं। जैसे आपको बताया कि इनका अफेयर चल रहा है, इस फिल्म में दो लड़कों से अफेयर चल रहा है, बताएं कैसे कैसे अफेयर है? मेरा दो लड़कों से अफेयर नहीं चल रहा है, आई थिंक सो ट्रायंगल लव है। मैं जिस लड़के को प्यार करती हूँ वो मुझे नहीं करता है, और जो लड़का मुझे प्यार करता है मैं उसको प्यार नहीं करती हूँ। वो रहते हैं अयाज जी, जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरा कहानी है। अभी तक काफ़ी फिल्म आपकी रिलीज हो चुकी है, जब बिहार जाती हैं गाँव में तो आपको कैसा लगता है, गाँव के लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है भोजपुरी, और वहाँ पे जाने के बाद मैं सबके साथ भोजपुरी ही बोलती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, अपने घर में भी भोजपुरी बोलती हूँ, तो वहाँ पे मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई जो लैंग्वेज हमारी है मैं उसमें काम कर रही हूँ, फिल्में कर चुकी हूँ, तो सारे लोग बहुत अच्छा मतलब मुझे भाव देते हैं, अच्छे से खातिरदारी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। भोजपुरी के किस सुपर स्टार से अभी काम करने के ज़्यादा इच्छुक हैं आप, या कुछ अच्छा आपको लगता हो? मुझे काम करने का रवि किशन जी के साथ मन है, मतलब सबसे जब मैं पहले आई थी तो रवि किशन जी के साथ काम करना चाहती थी, और निरहू जी हैं उनके साथ मुझे काम करने का बहुत ही शौक है, तो शायद भगवान चाहेंगे तो मैं ज़रूर कभी काम करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।